दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड और कुछ सब्जियां ली हैं, ये उबले हुए आलू, कैप्सिकम, पत्ता गोभी और क्यूकम्बर यानी ककड़ी और टमाटो। तो फटाफट सब्जियां कट कर लीजिए। आलू थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम, क्योंकि इसकी फिलिंग करना है, हमें टिक्की बनाना है। जैसे देखिए दोस्तों, सब्जी कट हो चुकी है, तो बना लेते हैं सैंडविच। लेट्स गो। क्या बन रहा है? वेजिटेबल सैंडविच। क्या करते हैं? खाते हैं। अच्छा लगता है? लाइक और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। तो हाय नहीं बोला तुमने? Well friends, मैंने यहाँ पे तवा लिया है, तो तवे को मैं तेल से ग्रीस कर दे रही हूँ, तेल लगा दे रही हूँ। और मैं इसी पे डालूंगी ये पोटैटो स्लाइसेस। तो इसके साइड से भी मैं थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू में कुछ स्पाइसेस डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर डाला है, पिसा हुआ जीरा, और यहीं पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालूंगी, और यहीं पे थोड़ा सा मैं नमक डाल दे रही हूँ, और यहीं पे मैं कुटी हुई लाल मिर्ची यानी कि चिली फ्लेक्स, ये भी है तो। और यहीं पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी और अच्छे से पका लेना है। तो लग रहा है ना यम्मी? तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये कैमरा गर्ल का फेवरेट है, उन्हीं के लिए बन रहा है। यहीं पे मैं आलू को पलट ले रही हूँ। देखे क्रिस्पी हुआ है? हाँ, तो देखो ये हो रहा है क्रिस्पी, तो ऐसे ही पका लेना है। वाव, तो ये पोटैटो सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, आप जो पसंद है ना वो दे सकते हैं। तो क्विक क्रिस्पी तैयार हो जाती है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और बड़ों को तो पसंद आएगी ही। बच्चे खुश, बड़े खुश। अगर ये बच्चों को टिफिन में देना है तो ये क्विक क्रिस्पी तैयार हो जाती है, तो उनको देने में आसान रहता है और उन्हें पसंद भी बहुत आता है। और इनमें वेजिटेबल्स है तो उन्हें पोषण भी मिलेगा भरपूर। तो आपको रहना है चिंता से दूर। यही तो, ये देखो पोटैटो कितने क्रिस्पी हो गए हैं और बढ़िया सा कलर आ गया इस पे, तो देखते ही खाने का मन करेगा। तो इस साइड में सिर्फ चाट मसाला डाल रही हूँ। देखिए आलू एकदम बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो ये काफी क्रिस्पी करारे बनके रेडी है। इसके लिए मुझे फ्रेंड्स एक लाइक तो बनती है, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दे। नाउ फ्रेंड्स, फिर से हमें तवे पे तेल डालना है। आप तेल या बटर कुछ भी ले सकते हैं, ऑप्शनल, आपके ऊपर है क्या चाहिए आपको। और इसी पे मैं डालूंगी ये ब्रेड की स्लाइसेस। फ्रेंड्स ये ब्रेड को
अच्छे से दोनों साइड सेक लेना है हमें। तो अच्छा सा कलर कर लेना है ब्रेड को। थोड़ा सा और मैं ऑयल ग्रीस कर ले रही हूँ। तो मैं इसे स्पैचुला से दबा दबा के थोड़ा क्रिस्पी बना रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, ये ब्रेड जब अब क्रिस्पी हो गए दोनों साइड से, तो इस पे मैं लगा रही हूँ सेजवान सॉस। तो ब्रेड पे मैंने सेजवान चटनी लगा दिया है। यहाँ पे मैं एक टमाटर की स्लाइसेस लगा ले रही हूँ और यहीं पे मैं लगाऊंगी आलू जो मैंने फ्राई किया था। तो यहीं पे कुछ मेरी डलेगी फिर से टमाटर और फिर से मैं यहाँ पे डालूंगी ये ककड़ी डाल दूंगी मैं और थोड़ी सी कैबेज और कैप्सिकम। यहीं पे मैं थोड़ी सी चीज ग्रेट करके डालूंगी। वाव, लग रहा है ना मजेदार। तो अब क्या करना है, इसे ब्रेड से कवर कर देना है। तो ये सर्व करने के लिए तैयार। तो मैं इसे थोड़ा पलट ले रही हूँ और क्रिस्पी बनाने के लिए। तो देखने में बहुत क्यूट लग रहे हैं मिनी ब्रेड सैंडविचेस अभी, और एकदम क्रिस्पी बना है ये। तो बच्चों को फटाफट सर्व कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे कट कर ले रही हूँ थोड़ा। बना नहीं रही थी, बहुत ढेर दिन बाद बनाई है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आज खाने वाली हूँ। ऐसी ऐसी रेसिपी के लिए चाची का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें और घंटी को भी बजाएं। बाय।